गाइस द राजा साहब मूवी जो कि डार्लिंग प्रभास की नेक्स्ट फिल्म है। अभी कल की 2980 मूवी के बाद उनकी जो फुल फ्लेश जो फिल्म आने वाली है वो राजा साहब मूवी है। कनप्पा में थोड़ा सा कैमियो है उनका, जो कि दिसंबर में कनप्पा मूवी रिलीज हो रही है उसमें उनको देखने को मिलेगा 5-10 मिनट के लिए, लेकिन पूरा का पूरा फिल्म जो हम कहते हैं वो राजा साहब मूवी में नजर आएंगे। वो जैसे कि मतलब 2025 जनवरी में ये फिल्म रिलीज हो रही है। अभी न्यूज 18 पर मुझे एक अपडेट देखने को मिला। देखो अपडेट मतलब ये है, वहाँ पे हेडलाइन तो ये लिखा गया है कि राजा साहब मूवी में डार्लिंग प्रभास जो है कम फी लेने वाले हैं बोल करके, और हमें बहुत पहले से अपडेट मिली है कि इस फिल्म में डार्लिंग प्रभास फी ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फिल्म को रिस्की मोड नहीं डालना चाहते, क्योंकि उनकी 100 करोड़ से ज़्यादा तक का मतलब उनका फी होता है, वो इतना पैसा लेते हैं, तो अगर उसको ऐड कर देते हैं मेकर्स तो बजट बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम हो जाता है। इसी वजह से राजा साहब मूवी में वो कोई पैसा वैसा नहीं ले, दोस्ती यारी में फिल्म में काम करेंगे और प्रॉफिट शेयर बाद में ले सकते हैं, कुछ इस तरह का अपडेट हमारे पास पहले आया था, लेकिन अभी कम ही बताया जा रहा है। ये मुद्दा नहीं है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है, वो ना ले या फिर कम ले जो भी हो, लेकिन बजट को मद्देनजर रखते हुए उनका ये कदम सही है। ओके, लेकिन न्यूज 18 में मुझे जो बजट देखने को मिला राजा साहब मूवी का, भाई वो चौंकाने वाला था। 200 करोड़ बजट है भाई, द राजा साहब मूवी की बजट 200 करोड़। ओ भाई साहब, क्या दिखाना चाहते हैं यार ये लोग। प्रोड्यूसर का एक इंटरव्यू आया था हाल ही में, आप लोगों को याद होगा, मतलब कल की 2980 मूवी जब रिलीज मतलब प्रमोशन के कगार पे था उस टाइम पे राजा साहब मूवी को लेकर के प्रोड्यूसर जो राजा साहब मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं उनकी तरफ से एक हमें कुछ सुनने को मिला था कि वो कह रहे थे कि ये एक हैवी बीएफएक्स वाली फिल्म है, अलग तरीके का दुनिया दिखाई जाएगा और अलग एक्सपीरियंस ही होगा, मतलब ये भी एक बड़ी मूवी में आएगा। जैसे कि राजा साहब मूवी जब से पता चली है तभी से बोला जा रहा है कि राजा साहब मूवी सलार कल की 2980 इस तरह का फिल्म नहीं है, ये उस तरह का फिल्म है जो विंटेज डार्लिंग प्रभास को हमें देखने को मिलेगा, जो बिफोर बाहुबली हम देखते थे, मिर्ची, रेबल, ये डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट, बुजीगाड़ू, ये जो सारी फिल्में थी वैसा वाला फिल्म ये होगा, हम ऐसा सोच रहे थे। और बजट तो पहले 100 करोड़ से भीतर भी बताया जा रहा था, ऑलमोस्ट 100 करोड़ हो सकता है, कुछ इस तरह का भी अपडेट आ रहा था, लेकिन न्यूज 18 की तरफ से अभी अपडेट देखने को मिल रहा है कि 200 करोड़ इसका बजट होगा। भाई यकीन नहीं हो पा रहा है लिटरली। ओके, ऊपर से बोला जा रहा है कि डार्लिंग प्रभास इसमें फी नहीं ले रहे हैं। ओके, जीरो रेम्यूनेशन में फिल्म में काम करेंगे और फिल्म का बजट है 200 करोड़। सोचो तो क्या क्या ये लोग दिखाने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है इसमें, और मारुति इतनी बड़ी बजट को संभाल करके फिल्म बना रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि मारुति की जब फिल्मोग्राफी हम देखते हैं कुछ अच्छा खासा नहीं है, जो कि इस फिल्म के बारे में जब पता चला था तो डार्लिंग प्रभास के फैंस लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे कि मारुति के साथ क्यों फिल्म बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, फिर से गलत साइन कर रहे हैं फिल्म, कुछ इस तरह का निराशपना हमें देखने को मिला था प्रभास के फैंस लोगों की तरफ से। लेकिन मारुति अभी 200 करोड़ की बजट लेकर के डार्लिंग प्रभास को लेकर के फिल्म बना रहे हैं, इंटरेस्टिंग है यार। देखते हैं, खैर आपको क्या लगता है दोस्त, अगर 200 करोड़ बजट इस फिल्म का है भी, मारुति इस फिल्म को डायरेक्शन दे भी रहे हैं, फिर भी ये सारा कुछ होने के बाद भी अगर मैं आपको पूछूं कि राजा साहब मूवी के ऊपर आप लोगों का बिलीव कितना है, कि ये फिल्म कितना अच्छा लगेगा, कितना कलेक्शन कर पाएगा, क्या अभी सलार कल की 2980 मूवी जितना वैलिड हुआ सभी के लिए बिल्कुल वैसा साबित होगा क्या, मतलब नेक्स्ट डार्लिंग प्रभास की जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है राजा साहब मूवी, क्या ये सलार के बाद कल की 2980 की मूवी की तरह होगा या फिर बाहुबली 2 के बाद साहो की तरह होगा, आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर जरूर कमेंट करिएगा। हाँ, छोटा सा अगर इन्फॉर्मेशन मैं इस फिल्म के बारे में दे दूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमें इसमें ब्रह्मानंदम सर को भी देखने को मिलेगा, योगी बाबू ब्रह्मानंदम दोनों के दोनों इस फिल्म में हैं, तो फिल्म का जनरा जो है कॉमेडी हरर का, तो कॉमेडी भर भर के होगा और हरर क्या होगा वो तो फिल्म में पता चलेगा, देखते हैं क्या हो रहा है।